हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि एनटीए ने कल सीयूईटी से रिलेटेड एक नोटिस प्रोवाइड की थी, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया भी हुआ है कि नोटिस किसके रिगार्डिंग प्रोवाइड की गई थी। और उसके बाद आज ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही कि फेज फाइव का जो एग्जाम आज होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया है एनटीए की तरफ से। रीजन वही सेम है, क्योंकि कई स्टूडेंट ने कंप्लेंट डाली हुई है कि जो एग्जाम है, कंपार्टमेंट एग्जाम भी लगा हुआ है, आज सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम भी आज से स्टार्ट हो रहे हैं और आज ही सीयूईटी का फिफ्थ फेज का एग्जाम भी आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से कई सारे स्टूडेंट ने कंप्लेंट की हुई थी, जिसकी वजह से एनटीए ने आज का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। पूरी इंफॉर्मेशन हम रीड करते हैं। मेंशन किया गया है कि सीयूईटी यूजी 2022 फेज 5 एग्जाम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन अगस्त 21, 22 एंड 23। अराउंड 2.01 लाख कैंडिडेट्स आर स्टेटेड टू अपीयर इन फेज 5। यानी जो आपका एग्जाम होने वाला था फेज 5 का, वो 21, 22 और 23 अगस्त को होने वाला था और आज 23 अगस्त है। उसके बाद कह रहा है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हैज पोस्टपोन द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 5 फेज डे 3 एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर अगस्त 23 एंड नाउ दे विल कंडक्ट द सेम लेटर। यानी यहाँ अभी इन्होंने कोई ऐसी फिक्स डेट नहीं बताई है कि जो आज का एग्जाम पोस्टपोन किया गया है वो कब शेड्यूल किया गया है, कब करवाया जाएगा, कब कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल आपको अपने जो आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है एप्लीकेशन फॉर्म पे, वो ईमेल आईडी को बार बार चेक करते रहना है। एनटीए की तरफ से कभी भी आपको नोटिस प्रोवाइड की जा सकती है, इन्फॉर्मेशन मेल की जा सकती है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कब शेड्यूल किया गया है, कब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन है गाइस। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप तक पहुँचा दूँगी। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है कि आज का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। सभी लोगों का हुआ है या नहीं हुआ है ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन उन लोगों का ज़रूर हुआ है जिन लोगों का कंपार्टमेंट एग्जाम आज लगा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगी। तो फिलहाल आप चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।